अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप के सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, कलेजी की ऐसी रेसिपी जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। इसके अलावा बहुत ही मज़ेदार बनती है और झटपट बन जाती है, और इसी तरीके के साथ बनाएंगे तो यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, लाजमी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कलेजी आधा किलो। मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया था और धोने का तरीका भी बताया हुआ है, वो मैं आपको लिंक दे दूँगी। और इसके अलावा जो मेन चीज़ हमें चाहिए इसके लिए, वो चाहिए हमें फ़ैट चर्बी, जो कि ईज़िली शॉप से भी मिल जाती है, और इसको भी हमने अच्छी तरह से धो लेना है। ये 250 ग्राम हमें चाहिए। तो 250 ग्राम चर्बी लेके हमने इस तरह से कर लेना है। इसके बाद हमने इसको छोटे छोटे से पीसेस में इस तरह से कटिंग कर लेनी है, और बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से बनने वाली है ये, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें जो फ़ैट हमने कटिंग की थी चर्बी, उसको डाल देंगे और चूल्हा हमने जला देना है। अब हमने थोड़ा सा इस तरह से इसको चम्मच चलाते जाना है, और आँच जो है आपने मीडियम रखनी है। इस तरह से कुक करते जाएंगे, और ये देखें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी निकलना शुरू हो चुका है। अगर आपके पास दूसरा ऑयल है वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी ये और बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। ये देखें जब इस फॉर्म में आ जाएगा, ऑयल सारा निकल आया, तो हम इसमें कलेजी डाल देंगे। और इसके बाद हमें चाहिए अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, उसको इस तरह ब्रिक ब्रिक काट लेंगे, और लहसुन के 4-5 जवे लेके उसको भी हमने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया, और इसके ऊपर इसी तरह से डाल देंगे, और अच्छी तरह से इसको हमने कवर कर देना है। और बिल्कुल आपने इसको हिलाना नहीं है, इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, 5 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे तो ये इस फॉर्म में आ चुका है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा कुक करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा, इसके अलावा चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे प्याज 2 अदद कटे हुए, और इसको भी मिक्स करेंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पे रख के नरम कर लेंगे। इतना पकाएंगे कि प्याज हमारा नरम हो जाए। इस फॉर्म में आ जाएगा जब प्याज, तो हम इसमें 4 कटे हुए टमाटर डाल देंगे, और इसके बाद हमने इसमें हरी मिर्च डालनी है कटी हुई 4 अदद, और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आँच जो है आपने अभी आस्ता कर लेनी है। इसके बाद हम इसको कवर करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं। और ये देखें जी, 5 मिनट के बाद हमारे टमाटर जो है काफ़ी नरम पड़ चुके थे, और टमाटर मैंने छिलकों के बगैर इस्तेमाल किए हैं, आप भी छिलकों के बगैर ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब हमने आँच हल्की कर देनी है, और इसमें हम डालेंगे पुदीना कटा हुआ, और हरी मिर्चें साबुत डाल देंगे 2 से 3 अदद, और साथ में 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चों का, और साथ में ही हम लाल मिर्ची पिसी हुई डाल देंगे इसमें 1/4 चाय का चम्मच। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, और साथ में थोड़ा सा जायफल पाउडर भी ऐड कर दीजिएगा गरम मसाले में। और अब जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच कूटा हुआ सूखा धनिया, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं जी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, और मसाले आप अपने हिसाब के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और अब हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे ताकि ये लगे नहीं। अब हमने इस मसाले को अपने को अच्छी तरह से भून लेना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लीजिएगा, ज़्यादा आपने इसको नहीं भूनना है, और हल्की आँच पर रख के भूनिएगा। ये देखें जी, इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो हम इसमें नमक शामिल करेंगे। हमेशा कलेजी में आपने लास्ट में नमक शामिल करना है। नमक मैं हसबे ज़रूरत डाल रही हूँ, और आप अपने हिसाब के मुताबिक नमक शामिल कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे नमक को, इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और हम इसको उतार लेंगे। तो जी, हमारी मज़ेदार सी कलेजी जो है वो तैयार हो चुकी है। देखिए आपने कितनी जल्दी बन गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी आता है। आपने भी इस ईद पर ये लाजमी ट्राई करनी है, और मुझे कॉमेंट में भी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।